हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एजुकेशन। तो पिला मैंने आज आम गणित विषय एम सी क्यू आरंभ करवा जाकि रही आम एस ए टू प्रिपेरेसन। तो पूर्वर आम गोटे पार्ट करें प्रथम विक वन तो विक टू रो तो प्रथम किसी एम सी क्यू देखा देख कौन रही सबू तो जहाँकि आमर आगामी समय एस ए टू बहुत हेल्पफुल र तो प्रति क्वेश्चन भल भाव बुझा। देख एक नंबर क्वेश्चन रे कौन अच्छी टिके देह खराब अच्छी तो भॉइसटा टिके अड शुणा जा पारे ठीक अच्छे तथा तो आम क्लास करने को चेष्टा करवा। एक्स रान के एक्स माइनस के वाई माइन इक्वाल टू टू आ गए थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इक्वाल जीरो समीकरण तो अन्य समाधान र अनन्य समाधान कहले ए वन बै ए टू बा गोटे समाधान इज नॉट इक्वल टू बी वन बै बी टू ठीक अच्छे। तो देख कौ भाई अच्छी जदि आम देखा के वन ए बै बी टू ए वन बै ए टू देख थ्री इज नॉट इक्वल टू बी वन बै बी टू क्या सहित बी वन है माइनस वन बै टू तो के अच्छे माइनस के ठीक अच्छे। तो वज्र गुणन कर केपट पलैस माइनस के इज नॉट इक्वल टू टू बाई थ्री तो यहाँ माइनस उठी गला के मूल्य बजार तो ये माइनस हो तो आंसर हम माइनस टू बाई थ्री देख यहाँ के इज नॉट इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री ठीक अच्छे। सेकेंड क्वेश्चन देख टे देह खराब अच्छे तथा आम चेस्टा कर क्लास को अफ करवा नहीं कहीं तो एग्जाम पाखे आस जहाँ भी शुणा जाडजस्ट करवा। टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो समीकरण अन्यतम समाधान के देख यही दे समीकरण अन्यतम समाधान तो आम ये कौन करपसन रूप पुट कर चलवा टू पकड़े टू दुई एक दुई माइनस तीन प्लस वन हेनी यटार हो देख ये आमर हो जाए वन जीरो पकेले तो पड़ोन प्लस वन बड़ी पड़ो आज जहाँ पकेले होनी कि यहीटा पकेले तुम होम देख टू इंटू वन मान टू माइनस थ्री इंटू वाई तो थ्री प्लस वन ये प्लस वन अच्छी इक्वाल जीरो होनी ये माइनस वन प्लस वन इक्वाल टू जीरो तो आम समाधान हम कौटा वन वन बात तुम्हें आउट लंबा प्रोसेस कर बाई भली सॉर्ट प्रोसेस रे मध्य कर पारिबो ठीक अच्छे। तो एमसीक्यू बेले तुमको ये क्वेश्चन बेले बेले कौन करवाक पड़े ना आंसर को पुट करके ही तुमको बाहर करवाक पड़े ठीक अच्छे। एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो समीकरण समाधान केते देख कौन कर एक्स प्लस y इक्वल टू होगा माइनस वन प्रथमटा द्वितीय एक्स माइनस वाई इक्वाल टू के प्लस वन टापटे माइनस वन हो ठीक अच्छे। तो देख ये मिसेदे वाई वाई कटेगा टू एक्स इक्वाल टू होगा के माइनस टू तो एक्स इक्वाल टू के माइनस वन तो गोटे आइला देख माइनस वन कौटे अच्छे देख एक्स घर यार अच्छी आईटार अच्छे तो गोटे समीकरण में माइनस वन पकई दि तो तुम यहीटा आसव देख माइनस वन प्लस वन जीरो वाई इक्वल टू जीरो आसीगला तो ये हम तुम आंसर। तो ऑप्शन ए देख तापर के चारि नंबर अच्छी थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो समीकरण द्वय असंगत हेले पी ओ क्यू मध्य संपर्क कौन है कहला समीकरण दे असंगत सांग अर्थात समांतर ताले पी आउ क्यू मध्य संपर्क कौन है देख थ्री बै कौन है थ्री बै पी इक्वल टू टू बै क्यू इक्वल टू बा नॉट इक्वल टू आस फाइव बै सिक्स तो आम यहाँ दरकार नहीं दुटा देख तो थ्री क्यू इक्वल टू पी तेल पज गुण टू पी इक्वल टू थ्री क्यू कौटे अच्छे देख टू पी इक्वल टू थ्री क्यू तो तुम चारि नंबर ऑप्शन कौन हो सी हो
ଠିକ ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ଦେଖ, ସଙ୍ଗତ ହେବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ସଙ୍ଗତ ହେବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ଠିକ ଅଛି, ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଦୁଇଟା ଆଗ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ। ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ହେଉଛି, ଦେଖ ସବୁ ଅନୁବାଦ ସମାନ ଅଛି, ତ ଦେଖ ଏଠି ବିଟା ଆସିଯାଉଛି, ୟାର ତିନି ଗୁଣ, ୟାର ତିନି ଗୁଣ, ୟାର ବି ତିନି ଗୁଣ, ତ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ବି, ତୁମେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର୍ କର, ଯଦି ନୂଆ ଅଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସୁଛେ ଏବଂ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କେମିତି ତୁମେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର କେତୋଟି ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ? ଦେଖ, ଚାରିର ଇଏ ହେଲା ଏକ ଭାଗରୁ ଚାରି ଭାଗ, ନାଇଁ ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଅଛି, ସମାନ ହେଉନି, ଏ ୱାନ୍ ବାଇ କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ଦେଲା କ'ଣ ଏକ ବାଇ ଚା ସରି ଏକ୍ସ କର, ଭୁଲ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଠିକ୍, ଏଠି ସଜଡ଼ା ହେଇକି ନାହିଁ, ତ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ କେତେ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଜିରୋ, ତ ଇଆର ହେଉଛି କେତେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଗୁଣ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଇଆର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଗୁଣ ନା ନାହିଁ, ମାଇନସ୍ ଟୁ ଗୁଣା ହେଇଛି, ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଗୁଣା ହେଇଛି, ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଗୁଣା ହେଇଛି, ତ ଏଠି ସବୁତକ ଅନୁବାଦ ସମାନ ଅଛି, ତମେମାନେ କ'ଣ ସବୁତକ ସମାନ ହେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ, କାରଣ ସମୀକରଣ ତ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ ହେଇଗଲେ, ଏଠି କେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ, ସଙ୍ଗତ ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଠିକ ଅଛି, ସାତ ନମ୍ବର, ଟିକେ କୋପରେସନ୍ ଦରକାର, କ'ଣ କରିବା, ସହଜ ସମୀକରଣ ଲେଖଚିତ୍ର କିପରି ହୋଇଥାଏ? ତ ସହଜ ସମୀକରଣର ଲେଖଚିତ୍ର କିପରି ହୋଇଥାଏ, ସହଜ ସମୀକରଣଟା ସବୁବେଳେ ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମର ଅଛି ପ୍ରାୟ ପଢ଼ିଦେଇପାରିବ ବହିରେ, ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପାଇଯାଇପାରିବ, ସହଜ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଲେଖଚିତ୍ର ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଠ ନମ୍ବର, ଦେଖ ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଲା ଟୁ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରୁଟ୍ ଏଇଟ୍, ହେଲେ ଏକ୍ସର ମାନ କେତେ, ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା କେତେ ଟୁ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ, ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି, ଆମେ ଏଥିରୁ କହିଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ, ହଁ ନା ନାଇଁ, ତ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକ୍ସଟା ଏପଟକୁ ଆଣି ମିଶାଇବା ତ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶାଇ ଆଣିଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫେଳି ଦିଅ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ତ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କଟିଗଲା, ତ ଟୁ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାଇଟା ହେଲେ ଅଛି ଜିରୋ, ତ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ ୱାଇଟା ଜିରୋ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ତ ଦେଖ ଟୁ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ବାଇ ଲେଖିବା ଯା, ଖାଲି ଏକ୍ସ ଲେଖି ଆସିବ ୱାଇ ଯେହେତୁ ଜିରୋ, ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଟୁ ଟୁ ଦ ପାୱାର ୱାନ୍, ଏଇଟା ଏଇଟ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ, ବାଟା ତୁମେ କେତେ କରିପାରିବ, ଟୁ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଥ୍ରୀ ଯେଉଁଠିକି ହେବ, ଏଠି ଟୁ ଅଛି ନା, ରୁଟ୍ ଅଛି ମାନେ ଏହାର ରୁଟ୍ ଏଇଟ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଟୁ, ଏଇଟା ଆସିଲା ଏଇଟ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଟୁ, ଏଇଟ୍ର ବର୍ଗମୂଳ ଅଛି, ତ ଏଇଟ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ, ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେତେ କରିବା ଟୁ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ, ବା ଆମେ ତାକୁ କରିବା ଟୁ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଭାଗ ଦୁଇର କ୍ୟୁ ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କରେ ଟୁ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ, ତ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ, କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ ଅପସନ୍ ଡି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନଅ ନମ୍ବର,
समीकरण द्वयर सह समीकरण द्वयर समाधान के देख आग कौन हो सतर एकतीस एकतीस सतर दुटाक इक्वाल नुहे वाइर पड़ी तो ए वन एटी पड़ो ना समीकरण समाधान पचार आमर इतना केतटा बोली आम बाहर कर समीकरण समाधान देख दुटा जाक जेतु ली कौन अच्छी ए वन बी सॉरी ए वन ए वन ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू बी वन बी टू हो जा ठीक अच्छे बाद तुम यहाँ कौन कर कह ए वन बै ए टू इज इक्वाल टू बी वन बै बी टू हो ठीक अच्छे बा बी टू बै बी वन हो जा देख ये दुटा अल्टरनेटिव तो ये जीरो ही आसो तुम प्राय लंग क्वेश्चन पड़े एगार गोटे तेईस एगार एक्स प्लस तेईस वाई एमती गोटे क्वेश्चन सब आस ये जीरो जीरो आस ठीक अच्छे दस नंबर निम्नोक्त समीकरण मध्य क्यों समीकरण टी कौन अक्षर सह समांतर नुहे देख ये कौटा कौन अक्षर सह समांतर नुहे तो देख ये तुम बाछब कौन ये टू एक्स प्लस वाई इक्वाल टू जीरो आसो यहाँ कौन से अक्षर सह समांतर नुहे ये देख कौन अच्छे फोर वाई ये देख ये वाई अच्छे मैंने कौन ये जीरो एक्सटा ना ये वाई जीरो खाली एक्स अच्छी एक्स वाई दुटा अच्छी ये कौन से अक्षर सह समान ये खाली वाई रही तो गोटे बिंदु आसला वाई रे ठीक अच्छे ये केवल एक्स अच्छे एक्स अच्छी कितना दुटा अच्छे तो ये समीकरण अक्षर सह समांतर नुहे तो पिलाने भयस ठीक आसुनी जेहेतु के पूरा देह खराब अच्छे तंटी बस जाए भयस ठीक आसुनी तो प्रिव्यू जो पार्टर क्वेश्चन गुड़िक रहा आम बैकअप डेट रे कवर करवा आज एति था तो दस टी क्वेश्चन था साइंस गोटे अलरेडी मुझे भिडियो करनी आम आज क्लास कर नवा जेहेतु आज प्रोब्लेम हो कौन भयस तो आम नेक्स्ट क्लास ठीक अच्छे थैंक यू समस्ते कोऑपरेशन करिबा आशा करूँगी कहीं शरीर सुस्थ रहिले ठीक हम अदरवाइज भयस आसुनी तुमको बुझेबा भी प्रॉब्लम हम बहुत भल क्वेश्चन अच्छी तुमको मत पठे तुम मैंने देखिए पार ओके थैंक यू जय श्री राम।